हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मेजरिंग टेप की जो ऊपर की स्केल है इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सूत, इंच, फुट और यार्ड के बारे में बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे सूत के ऊपर। सूत में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एक सूत में कितने एमएम होते हैं, एक इंच में कितने सूत होते हैं, सूत को बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक इंच में होते हैं 8 सूत, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक इंच कंप्लीट हो गया। ये जो ब्लू लाइन है यहां पे एक इंच कंप्लीट हो गया, और ये जो छोटी छोटी लाइन है 3, इसके बाद जो बड़ी लाइन है यहां पे एक सूत कंप्लीट हो गया है। यहां पे 2 सूत कंप्लीट हो गए हैं, यहां पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और 8 सूत को मिला के बनता है 1 इंच। यहां पे 1 इंच कंप्लीट हो गया। आप मेजरिंग टेप में देख सकते हैं इसको, ये छोटी छोटी जो लाइन है इसके बाद जो ये बड़ी लाइन है यहां पे एक सूत कंप्लीट होता है। मैंने इसीलिए मेजरिंग टेप की ड्राइंग ड्रॉ की थी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि मेजरिंग टेप में बहुत ही छोटा छोटा दिखता है तो ये कैमरे में प्रॉपर विजिबल नहीं होता। अभी हम देखते हैं कि सूत को बोला कैसे जाता है। एक सूत को लिखते हैं 1/8, 2 सूत को यहाँ पे 2/8 लिखते हैं, पर ये आगे सोल्व हो जाता है, ये इसको सोल्व होके 1/4 हो जाता है। 3 सूत को लिखते हैं 3/8, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके मैंने लिखा है कि इसको कैसे लिखते हैं। इंडस्ट्री लाइन में जो नट बोल्ट आते हैं वो इंच साइज और एमएम साइज में आते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको 4 सूत का बोल्ट लेके आना है तो उसको हम कैसे वहां पे लिखेंगे, 4 सूत को हम कैसे लिखेंगे, 4 सूत हमको लिखना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये क्लियर कर सकते हैं। एक सूत को लिखेंगे हम 1/8, एक सूत में होते हैं 3.17 mm होते हैं। इसके बाद आ गया 2 सूत होता है 2/8, पर ये आगे सोल्व हो जाता है, तो ये लिखा कैसे जाता है 1/4, ये होता है 6.34 mm के बराबर। इसके बाद आता है 3 सूत, इसको 3/8 लिखते हैं। इसके बाद आता है 4 सूत, इसको हाफ भी बोलते हैं, ये 4/8 होता है, ये आगे सॉल्व हो जाता है तो ये 1/2 हो जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आता है 5/8, 5 सूत, इसको ऐसे लिखते हैं। 6 सूत को लिखते हैं, ये 6/8 होता है, ये आगे सॉल्व हो जाता है तो 6 सूत को लिखेंगे 3/4। ये आ गया 7 सूत, इसको ऐसे लिखेंगे 7/8। ये आ गया 8 सूत, ये 8/8 होता है तो ये सोल्व हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंच। 1 इंच इक्वल होता है 25.4 mm के। तो ऐसे सूत को लिखा, पढ़ा और बोला जाता है। इसके बाद 1 इंच में होते हैं 2.54 cm, यहां पे 1 इंच कंप्लीट हो गया है तो हम सेंटीमीटर नीचे की स्केल में देखेंगे। यहां पे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, यहां पे 2 और यहां पे 2.5 cm, तो इसके सामने ये बिल्कुल इंच का जो लाइन है इंच की, तो यहां पे 2.54 cm कंप्लीट हो गए हैं। अभी सेकंड थर्ड है जो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे 1 इंच कंप्लीट, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, यहां पे 20 mm, यहां पे 25 mm हो गए, तो 25.4 mm बिल्कुल सामने है 1 इंच के, तो ये 1 इंच में होते हैं 25.4 mm। एक सूत में होते हैं 3.17 mm, एक सूत यहां पे कंप्लीट हो गया है इस लाइन पे, तो यहां पे 1 mm कंप्लीट है, यहां पे 2 और यहां पे 3, 3.17 mm एक सूत के बिल्कुल सामने है, तो एक सूत में 3.17 mm होते हैं। एक फुट में होते हैं 12 इंच, ये 3 इंच तक है मेजरिंग टेप यहां पे, तो हम इसको मेजरिंग टेप में देखेंगे, यहां पे 11 इंच कंप्लीट है और यहां पे 12 इंच, यहां पे 01 लिखा है, ये फुट को इंडिकेट कर रहा है जो रेड कलर का लिखा है, तो यहां पे 1 फुट कंप्लीट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं 02 लिखा है, यहां पे 24 इंच कंप्लीट होते हैं, तो यहां पे 2 फुट लिखा है, तो यहां पे ये 2 फुट को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आता है 1 यार्ड यानी कि 1 गज, 1 गज में होते हैं 36 इंच, यानी कि 3 फुट का मिला के 1 गज बनता है। तो इसको मेजरिंग टेप में हम देखेंगे, तो हमको मेजरिंग टेप खोलना है 36 इंच, यहां पे देखिए 3 फुट कंप्लीट हो गए हैं, तो यहां पे 36 इंच का मिला के 1 यार्ड बनता है,
और ये 3 फुट भी यहां पे कंप्लीट हो गए हैं, एक ही यार्ड में होते हैं 3 फुट। जो मेजरिंग टेप की जो नीचे की स्केल है ये है सेंटीमीटर, एमएम और मीटर में। इस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये थी इंच, सूत और फुट और यार्ड पे। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सूत के रिगार्डिंग हो या एनी अदर रिगार्डिंग हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।